जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शफकत अब्बास और आप देख रहे हैं जान टीवी एंटरटेनमेंट। जो आज का हमारा सफ़र है ये गुजरात से लाहौर का सफ़र है और ये जीटी रोड के ऊपर सफ़र है और कुछ थोड़ा सा लाहौर का जो अंदरून है वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी ये हम वज़ीराबाद पहुंच चुके हैं, गुजरात से निकले हैं। तो ये आज का मौसम भी बहुत प्यारा है क्योंकि रात को बारिश हुई तो सुबह जो है ना बहुत ही नीट क्लीन जो है ना हो गया। और आज जो गर्मी है वो भी तकरीबन 30 डिग्री है। वेदर का हिसाब लगाएं तो थोड़ा गर्म ही है आज। और जो हमारे साथ जो ड्राइव कर रहे हैं वो है हमारे अली भाई। अली भाई हाथ फैला दे। और साथ में शौकत भाई हैं और ये अली भाई हैं, बहुत अच्छे ड्राइवर हैं। आपने जब भी कभी लाहौर, इस्लामाबाद या पाकिस्तान में कहीं भी जाना हो तो इनसे रابطہ करें, मैं इनका नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा। बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं जी नाज़रीन। ये देख रहे हैं ये ग्रीनरी, ये जो यहाँ के पौधे और दरख्त हैं बहुत ही सब्ज हैं। और ये हम तकरीबन गखड़ के पास पहुँचने वाले हैं। वज़ीराबाद से निकले हैं और आगे ये गखड़ है, गखड़ के बाद आएगा राहवाली, क्योंकि वो ज़िला गुजरांवाला ही है तो आगे गुजरांवाला पहुंचेंगे। तो वहाँ के बारे में हम आपको काफ़ी कुछ बताने वाले हैं गुजरांवाला के बारे में। तो इंशाल्लाह आगे जी ये हम गखड़ में पहुंच गए हैं और यहाँ की जो सबसे मशहूर चीज़ है वो है दरियाँ, यानी कि दरियाँ, ये जो शादी ब्याह पे हम नीचे डाल के बैठ के ऊपर लड़कियां जो ढोलक बजाती हैं, उसके बाद जब कोई फौतकी हो जाती है तो उसके ऊपर बैठ के फातिहा पढ़ते हैं, वो वाली दरियाँ। तो ये काफ़ी खूबसूरत शहर है और तारीखी शहर है, बहुत पुराना है ये गखड़। यहाँ के लोग काफ़ी खूबसूरत और मिलनसार हैं। ये बैंक में देखे कितनी लंबी कतार लगी हुई है कोरोना की वजह से। गखड़ के आगे हम इंशाल्लाह गुजरांवाला पहुंचने वाले हैं। ये दरख्तों की एक तरफ की तार है और ये धूप से बचने के लिए सबसे अच्छा जो सिस्टम है वो यही है कि शजरकारी की जाए। और ये ख़ासतौर पे ये जगह मुझे बहुत प्यारी लगती है जब ये आपके दोनों तरफ पेड़ पौधे होते हैं और आप सेंटर में से ड्राइव करके जा रहे होते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मंजर है, ये मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद करता हूँ आपको भी ये पसंद होगा। अगर आपको ये पसंद है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये हम गुजरांवाला कैंट के करीब तरीन है तो आप पहुँचने वाले हैं। आप कैंट आ गया, कैंट का पहला गेट आ गया। ये आप टैंक देख सकते हैं पड़ा हुआ यहाँ पे और मेरे साथ नारा लगाएं पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हम गुजरांवाला सिटी पहुँच चुके हैं और गुजरांवाला सिटी के बारे में चंद बातें जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के खाने जो है वो बहुत मशहूर हैं। यहाँ के लोग खाने पीने के बहुत शौकीन हैं और यहाँ के पहलवान बहुत ही मशहूर हैं पूरी दुनिया में गुजरांवाला के। और यहाँ के जो काफ़ी बड़े फनकार भी यहाँ से बिलोंग करते हैं, जैसा कि सहेल अहमद, बबू बराल मरहूम, और इसके अलावा काफ़ी और भी जो मशहूर फनकार यहाँ से गुजरांवाला से हैं, जैसे शौकत रंगीला, वो भी यहाँ का फनकार है। तो
यहाँ की एक और बात तो ये है कि यहाँ पे जो सिल्वर के बर्तन हैं और जो देगे हैं, पकवाई वाली देगे हैं, बड़े बड़े टेंट हैं, वो भी यहाँ से बनते हैं, और कुर्सियाँ चेयर वगैरह जो शादी ब्याह पे जो लगाते हैं वो भी यहाँ पे बनती हैं। और इसके अलावा लोहे की सनकारी, यहाँ के पंखे भी काफ़ी मशहूर हैं। पंखे तो वैसे गुजरात के मशहूर हैं, लेकिन यहाँ के भी काफ़ी मशहूर है पंखे हैं। जी ये गुजरांवाला के जो ब्रिज हैं, ये पुल हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से नाका लगा होता है, इसके ऊपर से हमें उन्होंने नहीं जाने दिया, तो ये हम नीचे से ही मैंने सोचा कि चलें वीडियो बना लेते हैं। और ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बनवाए हैं, और ये हमारे पैसों से बने हैं, हमारे टैक्स के पैसों से बने हैं। हम जो अवाम हैं, हमारी टैक्स के से ये बने हैं। और ये लोग अपनी तख्ती लगा देते हैं कि ये फलां फलां ने बनाया है। ये बस ऐसे ही है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी। गुजरांवाला भी काफ़ी हरा भरा शहर है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे भी। ये देखें, हम सिटी के अंदर हैं और यहाँ पे जो गुजरांवाला की बल्दी है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, ये फूल पौधे लगाए हुए हैं। जी एक ये गुजरांवाला का ब्रिज है, ये गुजरांवाला सिटी के अंदर ब्रिज है, और यहाँ पे जब ये ब्रिज नहीं था तो इसको कहते थे सियालकोटी दरवाज़ा, और ये ब्रिज के नीचे सियालकोटी दरवाज़ा है, ये उसके ऊपर से ये फ्लाईओवर उन्होंने बना दिया है। ये बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत है ये, और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ पूरा सिटी जो है ना वो नज़र आता है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं, ये हम ऊपर से, और ये आगे स्टेडियम भी है गुजरांवाला का, ये बहुत प्यारे, ये ऊपर से ही फ्लाईओवर बनाया हुआ है, दो तीन यहाँ पे आके पुल जो है मिलते हैं, एक अंदरून सिटी के अंदर चला जाता है, एक नीचे सियालकोटी दरवाजे की तरफ चला जाता है, और एक जीटी रोड लाहौर की तरफ। अभी हम लाहौर की तरफ ही जा रहे हैं, ये फ्लाईओवर के ऊपर ही हैं, और ये अब हम नीचे उतर रहे हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत मंजर, ये भी गुजरांवाला का काफ़ी मशहूर चौक है, क्या नाम है इसका भाई, चांदा किला। ये अभी हम जो चांदा किला है वहाँ पे आए हैं, और ये बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया में। तकरीबन मैं काफ़ी कंट्रीज़ में गया हूँ, तो वहाँ के लोग हमें पूछते हैं भाई वो चंद का किला क्या है, वो जो गुजरांवाला में है। मैंने कहा यार चंद का किला एक चौक का नाम है, तो ज़्यादा हिस्ट्री का मुझे भी नहीं पता उसका, तो शायद कोई किला हो यहाँ पे। अगर किसी को पता है, किसी भाई को, कि ये चंद का किला क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो चांदा किला स्टॉप है, चौक है, बल्कि यहाँ पे साइडों पे काफ़ी शॉप्स हैं, यानी कि एक बहुत मशहूर ब्रांड है सियालकोटी स्वीट्स, अगर मेरे कैमरे में आपको नज़र आ रहा हो तो ये सियालकोटी स्वीट्स गोरमे, काफ़ी पाकिस्तान की जो मशहूर ब्रांड्स है वो है, ये वो चौक है। और ये हमने चांदा किला चौक जो है ये क्रॉस कर लिया है, मुगले आजम मैरिज हॉल, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत। जी हम गुजरांवाला से आगे निकले हैं, मोड़ अहमदाबाद, ये मोड़ अहमदाबाद हम आ गए हैं। यहाँ का हमारा एक दोस्त है बहुत प्यारा, अमजद अली गुराया, मोड़ अहमदाबाद से, जो इस वक्त साउथ अफ्रीका कैपटाउन के शहर में है। अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो ज़रूर कमेंट्स करें। ये जो गुजरांवाला सिटी है, यहाँ पे बहुत फैक्ट्रीज हैं, ये टाइल फैक्ट्रीज है, और मास्टर टाइल फैक्ट्रीज,
काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत प्यारी बनी हुई है। जी हम ये गुजरा वाला क्रॉस करेंगे, ये टोल प्लाजा है। टोल प्लाजा क्रॉस करते ही सेल कर रहे हैं मास्क बच्चे, कोरोना के बचाव के लिए, कोरोना के रोकथाम के लिए ये मास्क सेल करते हैं ये बच्चे यहाँ पे। जी नाजरीन, ये अभी हम मरीदका में आ गए हैं, मरीदका शहर भी काफ़ी तारीखी शहर है, बहुत प्यारा खूबसूरत बना हुआ है ये भी। इसका पुराना नेम है मंडी मरीद के, तो शायद अब खाली मरीद के ही रह गया है। ठोकर से नीचे आए हैं, ये नहर के साथ साथ अंडर बाईपास। जे कलमा चौक से हम आगे निकले हैं थोड़ा, ये सारा ये ऊपर वो मेट्रो का पुल है और ये नीचे से हम जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं चुबुरजी, तो ये अंदरून लाहौर हम आपको दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा बीच बीच में। ये अंदरून लाहौर में क्योंकि ज़रा ट्रैफिक होती है, दूसरे दिनों की नस्बत आज ज़रा कम ट्रैफिक है, हाँ क्योंकि पहले तो इधर काफ़ी रश होता है, काफ़ी ट्रैफिक होती है, तो आज ज़रा कम है। ये लाहौर जो है ना खूबसूरत हो रहा है, अच्छी अच्छी इमारतें ये देखें बन रही हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, खूबसूरत बन रही हैं। ऐसा ही है जैसे कि आप यूनान में आ गए हो। लाहौर और यूनान का जो सिटी है इंथन, वो तकरीबन मिलता जुलता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान ज
जा जा पाकिस्तान ऐसी जमीन और आसमां इसके सिवा जाना कहाँ। जिस जिस जिसको ये तराना पसंद है प्लीज़ कमेंट्स में लिखिएगा। और ये हम लाहौर की सड़कों पे जा रहे हैं। पंजाबी की एक मसाल है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया ही नहीं। और लाहौर की खूबसूरती देखें, ये हमने टर्न ले लिया चबुर्जी की तरफ, आगे हम चबुर्जी जाएंगे, वहाँ पे कोई बंदा हमारा वेट कर रहा है, उससे मुलाकात करके और फिर हम इंशाल्लाह बफजले खुदा गुजरात की तरफ रवा दवा दोबारा से। वो पावन आज दफ्तर उठे जाना है, ये पता पिछले जा रहा है ना, ठीक है। धुआं छोड़ती गाड़ियां पैदा करे बीमारियां, ये मैं आपको दिखाता हूँ PIA जहाज। ये देखें, ये PIA जहाज है, सड़क के ऊपर ही लगा दिया उन्होंने। जी ये लाहौर की बहुत ही मशहूर और मरूफ जगह चबुर्जी जिसको कहते हैं, ये देखें, ये टूट फूट का शिकार थी तो इसकी मरम्मत हो रही है। ये चबुर्जी तो इसको सजी कोई पिसवाने का है इसकी सीन कोई, इसकी हिस्ट्री का तो नहीं पता। ये सारा चबुर्जी है, जी ये हम आ गए हैं दाता दरबार, ये देख सकते हैं आप, ये बाहर वाला हिस्सा है ये दाता साहब का। शायद रोशनी की वजह से आपको क्लियर नज़र ना आए क्योंकि सूरज है सामने बिल्कुल। ये आपको शायद नज़र आए ये मीनार थोड़े से दाता साहब के, क्योंकि हम सड़कों के ऊपर ही ये मूवी बना रहे हैं, उतर के नहीं बना रहे। और इस दरबार पे आप सबके लिए भी दुआ है। जंगला ये नजर आ रहा होगा जिसको इमरान खान कहता है जंगला बस, ये वो वाली बस है मेट्रो बस।
देर बाद रावी का पुल आने वाला है। शादरा मोड़